guys, welcome to my channel High Flames by Kanchan. Today I am going to share a recipe of manchurian. आप सबने वेज मंचूरियन, पनीर मंचूरियन तो सबने खाया होगा, पर आज मैं बताने जा रही हूँ ब्रेड का मंचूरियन, जो उतना ही टेस्टी और अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम बनाना सीखते हैं ब्रेड का मंचूरियन। इसके लिए हमें चाहिए 6 से 7 पीस ब्रेड, जिसे मैं आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं या मिक्सी में चलाकर इसे क्रश कर सकते हैं। मैंने इसे मिक्सी में चलाकर इसे क्रश कर लिया है इस तरह से। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से एक बाउल में मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब इसके बाद हमें चाहिए शिमला मिर्च कटा हुआ 1/2 कप, प्याज कटा हुआ 1/2 कप, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप इसकी जगह पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर लाल मिर्च से कलर अच्छा आता है। 2 टेबलस्पून अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। अब सबसे पहले ब्रेड में 1/2 प्याज, उसमें से कटा हुआ 1/2 प्याज डालेंगे और फिर इसमें 1/4 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, फिर नमक डालेंगे स्वादानुसार, फिर इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, खाने वाला सोडा। इसमें हम पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाला है और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए, अभी ये पूरा मिक्स नहीं हो पाया है, हमें पानी और डालना पड़ेगा, तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून पानी और डाल रही हूँ। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। देखिए मैंने सारे के छोटे छोटे बॉल बनाकर रख लिए। अब एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें तेल गरम करके सारे बॉल को तल लेंगे, दोनों तरफ से गोल्डन होने तक तल लेंगे। इसे हाई फ्लेम पर ही तलना है। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन होने लगा है और इसे दूसरी साइड से भी कर लेंगे, पलट के कर लेंगे। अब हम इसको, ये पूरा हो चुका है, तल गया है, अब इसको भी एक प्लेट पर निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने प्लेट पर सारे निकाल लिए। ये देखिए, मेरे 7 पीस ब्रेड में से इतने बॉल बने हैं। अब इसमें कढ़ाई में से हम एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल कर अलग कर लेंगे, फिर 1 टेबलस्पून केवल ऑयल रहने देंगे और उसमें प्याज, बाकी बचा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा चलाने के बाद इसमें कटा शिमला मिर्च डाल देंगे, फिर इसे भी थोड़ा मिक्स करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और ये सभी हाई फ्लेम पे ही हमें करना है। नमक डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए और इसे मिक्स कर देंगे। जब तक ये हमारा, इसको हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक भुनना है ताकि मेरा प्याज और शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाए। जब तक वो हो रहा है, हम कॉर्नफ्लोर को 1 कप पानी में, ठंडे पानी में घोल लेंगे। कॉर्नफ्लोर को हमेशा ठंडे पानी में ही घोलना है। अब ये देखिए, इसका रंग चेंज हो गया और प्याज और कैप्सिकम सॉफ्ट भी हो गया है। इसमें हम टोमेटो सॉस मिला देंगे, फिर 1/2 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे और जब तक सोया सॉस, टोमेटो सॉस थोड़ा सा भुन रहा है, अब इसके बाद ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी इसमें डालकर मिला लेंगे। इस
तरह से मिला लेंगे। अब इसको इसमें उबाल आने देंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी मिला देंगे। ये देखिए ये बॉइल हो गया है और इस गाढ़ा भी होने लगा है। अब हम सारे मंचूरियन बॉल को इसमें डाल देंगे। कॉर्न फ्लोर डालने से ग्रेवी तुरंत थिक होने लगती है। इस तरह से मंचूरियन बॉल डाल के 1 मिनट तक के लिए इसको पका लेंगे। अब 1 मिनट हो गया है, ये देखिए मेरा मंचूरियन बॉल, ब्रेड की मंचूरियन बॉल अच्छे से इसमें पक गया है और ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। तो हमारा ब्रेड का मंचूरियन रेडी है। आप इसे फ्राइड राइस, रोटी, नान किसी के साथ खाइए। सो प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग रेसिपीज। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय बाय एंड कीप कुकिंग।